हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फर्स्ट की ईवीएस का चैप्टर एट माय फैमिली की एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा। पहले है टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में थ्री थ्री वर्ड्स दिए हैं, उनमें से जो सही वर्ड है उस पर हमें टिक लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस है, ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ। ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं किस फैमिली में रहते हैं, लार्ज, ज्वाइंट या स्मॉल। तो ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इसलिए ज्वाइंट पर राइट आएगा। सेकेंड है, देयर आर ओनली टू चिल्ड्रन इन अ, है ना, सिर्फ दो बच्चे किस फैमिली में होते हैं, लार्ज में, स्मॉल में या ज्वाइंट में। तो स्मॉल फैमिली में होते हैं, इसलिए स्मॉल पर राइट आएगा। फादर, मदर, ब्रदर इज द हेड ऑफ अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली का हेड कौन होते हैं, तो फादर होते हैं, इसलिए फादर पर राइट आएगा। फोर्थ है, कजिन्स आर द पार्ट ऑफ। कजिन्स किस फैमिली का पार्ट होते हैं, ज्वाइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली या लार्ज फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली का पार्ट होते हैं कजिन्स। कजिन्स मीन्स चचेरे भाई बहन, ठीक है, तो ज्वाइंट पर राइट आएगा। फिर यहाँ पर ब्लैंक है फिल करने, हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हैं, स्मॉल, अंकल, फादर, ज्वाइंट पेरेंट्स। अब इनकी हेल्प से हमें ये फोर ब्लैंक फिल करने हैं। पहला है मदर, यहाँ आ जाएगा फादर, ना, मदर, फादर एंड वन आर टू चिल्ड्रन मेक अ स्मॉल फैमिली। मदर, फादर और एक या दो बच्चे स्मॉल फैमिली बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल फैमिली में एक या दो बच्चे मदर फादर होते हैं। सेकेंड, माय फादर एंड मदर आर माय, आपके मम्मी, मेरे मम्मी पापा मेरे कौन हैं, तो पेरेंट्स आएगा, ठीक है, ये पेरेंट्स होते हैं, इसलिए पेरेंट्स आएगा। फिर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ, ग्रैंड पेरेंट्स किस फैमिली में रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए यहाँ आएगा ज्वाइंट। फोर्थ है, फादर इज़ द हेड ऑफ अ, फादर किस फैमिली का हेड होते हैं, तो स्मॉल, यहाँ स्मॉल आ जाएगा। फादर इज़ द हेड ऑफ अ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली के हेड फादर होते हैं, ओके। नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू मीन्स होता है सही, फॉल्स मीन्स होता है गलत। तो जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हमें टी लिखना है, टी मीन्स ट्रू, और जो गलत स्टेटमेंट उसके आगे हमें एफ लिखना है, एफ मीन्स फॉल्स। फर्स्ट है, ग्रैंडफादर इज़ द हेड ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली। ग्रैंडफादर ज्वाइंट फैमिली के हेड होते हैं, हाँ होते हैं, ज्वाइंट फैमिली के हेड ग्रैंडफादर होते हैं, इसलिए यहाँ टी आएगा। सेकेंड है, वी ऑल लिव टुगेदर इन अ फैमिली, हम एक दूसरे के साथ परिवार में रहते हैं, यस, ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ टी आएगा। मदर एंड फादर आर अवर ग्रैंड पेरेंट्स, मदर और फादर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा नहीं, है ना, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ एफ आएगा। फिर अंकल एंड आंट ऑल्सो लिव इन अ स्मॉल फैमिली, अंकल आंट स्मॉल फैमिली में रहते हैं, गलत स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ भी एफ आएगा। अब ये नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर ये स्पेलिंग्स दी हुई थी, इनकम्प्लीट थी, इन्हें कंप्लीट करना है, मैंने लिख दिया है उनको। देखिए, जैसे सबसे पहले हैं बी आर ओ टी एच ई आर ई ब्रदर, फिर है एम ओ टी एच ई आर मदर, यू एन सी एल ई अंकल, एस आई एस टी ई आर सिस्टर, एफ ए टी एच ई आर फादर, ए यू एन टी आंट, ठीक है, इस तरह से इनको फिल करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, टिक दोज हु लिव इन योर फैमिली, इनमें से जो आपके फैमिली में रहते हैं उनके आगे हमें टिक लगाना, जैसे अंकल रहते हैं तो लगाइए राइट, नहीं तो मत लगाइए, ब्रदर रहते हो तो राइट लगाइए, अदरवाइज नो, कजिन्स रहते हो तो लगाइए, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो, आंट, सिस्टर, पेरेंट्स, इनमें से जो भी आपकी फैमिली में आपके साथ में रहते हैं उनके आगे हमें राइट लगाना, जैसे पेरेंट्स रहते हैं यहाँ राइट लगा दिया, ब्रदर होते हैं ये लगा दिया, ठीक है ना, सिस्टर होती हैं और जो भी रहते हैं तो आपको राइट लगाना है, यहाँ पर जो नहीं रहते उनके आगे नहीं लगाना। अब ये क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिए इनके आंसर हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, तो मेरे परिवार में 5 मेंबर्स रहते हैं, इसलिए मैंने लिखा है 5 मेंबर्स। सेकेंड है, विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव, आपकी किस तरह की फैमिली है, स्मॉल या लार्ज फैमिली, तो मेरी लार्ज फैमिली है क्योंकि 5 मेंबर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है लार्ज फैमिली। आपकी जो भी फैमिली हो आप उसको मेंशन कीजिएगा। फिर है, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो हाँ रहते हैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, इसलिए मैंने लिखा है यस, अगर आपके नहीं रहते आप नो लिखिए।
फोर्थ है राइट द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के आपको नाम लिखना है। तो मैंने लिख दिया है मिस्टर रवि प्रसाद, मिसेस रेखा, आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स उनके नाम लिखिए, पर मिस्टर मिसेस उनके आगे जरूर लगाना है, क्योंकि हमारे जो भी एल्डर्स होते हैं उनके नाम, उनको हमें रिस्पेक्ट देते हैं ना हम, तो उनके नाम के आगे मिस्टर मिसेस जरूर लगाना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।